मेरा कैरेक्टर है, तीन लड़के हैं उसमें और एक लड़की है जो बहुत प्यारी सी है जैसी मैं दिखती हूँ, और इनोसेंट इनोसेंट सी, भोली भाली सी. सो उसको तो लड़के मतलब जब प्रपोज भी करते हैं तो वो एकदम ऐसे घबरा जाती है, सहम जाती है, वो वैसी है. और लड़के उसको बात करने की कोशिश करते हैं तो वो नमस्ते भैया बुलाती है. तो उस टाइप का उसका कैरेक्टर है, गर्ल नेक्स्ट डोर, वेरी इनोसेंट. एंड उसके अगर तो मैं ज़्यादा बताऊँगी तो फिर मैं तो पूरी स्टोरी बोल दूँगी. ओके okay, क्योंकि आपने भी बताया और ट्रेलर में भी हमने देखा है व्हेन एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के आपको तीन प्रपोज तीन करते तीन हैं, तीन तो तीन क्या तीन फीलिंग होती है उस टाइम? उस टाइम ऑब्वियसली यू आर द ओनली एक्ट्रेस, सो ऑब्वियसली वो तो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. एंड प्लस जब वो को एक्टर्स एंड आपकी टीम इतनी अच्छी हो. सो हम लोग जब वो सीन भी कर रहे थे, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, मैं इतना हंस रही थी ना, मैंने कहा यार क्या मतलब पिक्चर में भी मतलब यू नो यू हैव दैट थिंग कि अच्छा ठीक है, वो एक लीड होने के तौर पे मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार फिल्म एक मेरे बारे में है. बट जिस तरीके से आ रही है, जैसे कोरियोग्राफर्स हैं, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी देयर डांस, उन्होंने वो डांस किया, वैसा कैरेक्टर दिखाया है. अब स्क्रिप्ट में फिल्म देखने पे पता चलेगा कि एक्ट्रेस का क्या है. जी ओके okay, मैं कैरेक्टर की बात करना चाहूँगा। मैंने जी ट्रेलर में भी देखा है जी जब जी लड़के आपको प्रपोज करते हैं, तो जी हम अमूमन हम जो फिल्में देखते हैं रियल लाइफ में अगर देखें लड़कियां थोड़ा एटीट्यूड दिखाती हैं, जी क्योंकि एक जी नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के प्रपोज, जी जी लेकिन आप हैं काफी इनोसेंट, वहां पे भी आपका जो नजरिया है जी और काफी शाय है, ऐसा जी क्यों? मतलब कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कैरेक्टर ही है ये, बिकॉज ओ कैरेक्टर का डिमांड है कि उनको लड़की ही ऐसी चाहिए थी जो मतलब तीन लड़कियां वो डिसाइड करते हैं कि अब ना हम अपने लिए और यू नो हम एक दूसरे के लिए एक अच्छी सी लड़की देख के अब सेटल होने वाली लड़की देखेंगे, अब बहुत मस्ती मजाक कर लिया और अब हम एक अच्छी सी लड़की देख के सेटल हो जाएंगे. तो वो एक दूसरे के लिए लड़की देखते हैं और वो एक ही लड़की को पसंद कर लेते हैं, जी सो वो कोइंसिडेंस हो जाता है. अब वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो तो बात भी भैया कह के करती है, तो वो उसी के बारे में है ये. तो आई थिंक मैं अभी यही बोलूँगी, वो तो फिल्म देख के पूरा पता चलेगा आपको. जी ये तो कैरेक्टर की हुई, अब जी रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ ईशा कैसी है? रियल लाइफ में मैं बहुत मस्ती करूँ और मैं बहुत टॉम बॉयश हूँ और मुझे लड़कियों की तरह बिहेव करना पड़ता है क्योंकि मुझे बताया जाता है कि ना बी लाइक अ गर्ल, डोंट एक्ट लाइक बॉयज. सो इनफैक्ट फिल्म में भी हम जब शूट कर रहे थे, मेरा एक हम लोग क्या करते थे कि मेरे डायरेक्टर थे जयश, एंड उन्होंने हमेशा मुझे बोलना है तुम लड़कों के साथ नहीं बैठोगी क्योंकि तुम मस्ती करते हो उनके जैसी हो जाती हो. तो अब लड़की का कैरेक्टर एकदम वैसा सॉफ्ट सा है और मैं वहाँ जाके हाँ क्या क्या सीन है हमारा ऐसे करके बात करती थी. तो बोले नहीं नहीं कैरेक्टर में रहो. तो कितनी बार ऐसा होता था कि हम खाना खा रहे होते थे वैनिटी में, हम वैनिटी भी सब इकट्ठे शेयर करते थे, तो हम दरवाजे बीच के खोल लेते थे, थ्री डोर होती थी वहाँ पे. तो फिर क्योंकि बनारस था, स्मॉल टाउन था, तो वहाँ पे ज़्यादा वैनिटीज भी नहीं आ सकती थी, तो वैनिटी शेयर करते थे और डायरेक्टर एकदम से ऊपर आ जाता था, तुम खाना फिर साथ में खा रहे हो, तुम्हें मना किया था ना. और मैं यू नो फिर हम लोग फिर मैं एकदम सीरियस हो जाती थी कि अभी यू नो मैं अपना काम करूँगी. जी सो अच्छा रहा काफ़ी एक्सपीरियंस. ओके अगर मैं फिल्म की बात करूँ, फिल्म में जितने भी आपके को स्टार हैं जी वो ज़्यादा करके सभी डांसर हैं, चाहे जी राघव की बात करो जी या जी किसी की भी बात करो, जी तो आपका भी हम इसमें डांस देखेंगे नहीं, इन सबके साथ में? इसमें इसमें मेरा नो डांस नहीं है, इसमें मेरी एक्टिंग है, आप ओके मेरी एक्टिंग देखेंगे. ओ तो डांस कितना लाइक करती हैं ईशा, डांस पसंद करती डांस हैं? सी ऑब्वियसली डांस अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मुझे फिल्म्स में ऑब्वियसली वो ग्लैमरस उनको दिखाना ही नहीं था, उनको लुक बहुत वैसा ही रखना था ताकि लोग और ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए. सो इसीलिए उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया एंड इसीलिए मैं सॉन्ग्स में नहीं हूँ, एंड दैट्स इट आई थिंक, यही था. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच थैंक एंड यू गुड लक. थैंक यू थैंक यू.